गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास का 10th चैप्टर ही करेंगे सर्कल्स के बारे में, और फिर एक्सरसाइज हम लोग 10.1 करेंगे। तो देखो, आपने प्रीवियस क्लासेस में सर्कल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, और सबसे पहले तो यही पढ़ते हैं हम लोग सर्कल क्या है, ठीक है ना। तो आपने 9th क्लास में इस चीज़ को पढ़ा था कि सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच इज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। माना क्या कहते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। उस कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं हम लोग, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, कोई फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट ले लिया, इस फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन होगी, इससे ऐसे पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन लेंगे, मतलब फिक्स डिस्टेंस पे से जो डिस्टेंस होगी वो फिक्स है, इस टाइप से माना, ठीक है ना। इस टाइप से अगर हम लोग ये फिक्स पॉइंट पर है, माना ये डिस्टेंस कोई सी भी डिस्टेंस ले, सारी इधर की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है ये। मतलब अगर ये मान लो 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इस तरह से, तो फिर जो सर्कल का जो पॉइंट का जो लोकस बनता है, ये लोकस जो बन गया, फिर इस लोकस को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो कुछ और भी आपने एक्स्ट्रा इसके बारे में पढ़ा हुआ है सर्कल के बारे में, लाइक कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, या फिर आपने आर्क वगैरह के बारे में, ये सब सर्कल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ये सब की सारी बातें। अब देखो, हम लोग एक सर्कल की है ना, एक लाइन के साथ डिफरेंट सिचुएशंस को ड्रा करते हैं। तो ये एक सर्कल की और एक लाइन की 3 डिफरेंट सिचुएशंस है, ऑल पॉसिबल 3 डिफरेंट सिचुएशन। भाई फर्स्ट केस में देखो, 3 केस है। फर्स्ट केस में क्या है कि लाइन सर्कल को मतलब कट ही नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कौन सी लाइन बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। लेकिन ये सर्कल के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना, जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं ये सर्कल के और लाइन की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं कि जो लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और 2 पॉइंट पे कोई लाइन अगर सर्कल को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीकेंट लाइन। ये सेकंड सिचुएशन है, ये इसको बोलते हैं सीकेंट लाइन। थर्ड में भी देखो, जो थर्ड केस में है वो लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन। ये 3 पॉसिबिलिटीज थी सर्कल की और लाइन के साथ। तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंजेंट देखो, टेंजेंट की अगर सिचुएशन देखें कि मतलब क्या है, लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, वो उसका टेंजेंट कहलाता है। तो अगर टेंजेंट की डेफिनेशन लिखनी पड़े तो हम क्या लिखेंगे, ए टेंजेंट, टेंजेंट होता है सर्कल के साथ ही होते हैं ना, टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। वो लाइन जो सर्कल को केवल और केवल 1 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या हम इस बात को ये भी कहते हैं टच करेगी, 1 पॉइंट पे जो लाइन सर्कल को टच करती है उसको टेंजेंट बोलते हैं हम लोग। बाकी देखो, अब हम एक सिचुएशन और लेते हैं। हमने सीकेंट के बारे में तो पढ़ ही लिया, सीकेंट क्या है,
जो सर्कल को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है जो लाइन, वो लाइन क्या कहलाएगी? सीकेंट लाइन। ये सीकेंट लाइन है क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट पे टच कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। अगर हम लोग इस सीकेंट लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा करते जाएं ऐसे, ये इसके पैरेलल ड्रा करते जाएं इस टाइप से, तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या देखते हैं कि जो अब ये देखो, ये पॉइंट को, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और इधर भी ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और सारे की सारी लाइनें क्या आपस में पैरेलल है, तो ये क्या बन गए? ये टेंजेंट बन गए आपके, ये टेंजेंट हो गए। लेकिन हम लोग देखते हैं इन सभी पैरेलल लाइंस में सिर्फ दो ही टेंजेंट ऐसे जो आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब एक सर्कल के मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट ए सर्कल कैन हैव। एक इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट होते एक सर्कल में, और सर्कल और टेंजेंट जहां आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बात भी ध्यान रखना आपने। और फिर अब देखो एक सिचुएशन और लेते हैं हम लोग, जैसे अब जैसे सुपोज करो ये व्हील ऑफ ए बाइसिकल है, माना जो साइकिल का जो पहिया होता है और उसमें ये स्पोक्स हैं, स्पोक्स जो उसके बीच में होती है ना स्पोक्स, माना तो ये मान लीजिए उसकी स्पोक्स है उस सर्कल उस व्हील की इस तरह से, और ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, ये समझो ये ग्राउंड है, और जैसे ही व्हील मूव करेगा और ये स्पोक्स जो है, ये क्या है, ये स्पोक्स है उसकी, जैसे ही व्हील की स्पोक्स ग्राउंड के टच में आएगी तो ये जो स्पोक्स है ये क्या हो जाएगी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना, लेकिन ये क्या हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, तो इसका मतलब क्या, ये सपोज करो इसको पी पॉइंट पे टच करेगी तो ओपी क्या हो गई, ओपी होगी रेडियस, और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड किसका काम कर रहा है, अब सर्कल को टच करने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है ना, ये टेंजेंट हो गया, ये रेडियस होगी, और जैसे देखो अगली भी मूव करेगी, अगली स्पोक्स जब इसके टच में आएगी तो वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगी ऑन टेंजेंट, तो इसका मतलब इससे हमें क्या समझ में आया कि जो सर्कल की रेडियस है और जो टेंजेंट है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस बात को हम लोग देखो लिखेंगे कैसे, तो उसको इस तरह से लिखेंगे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, माना टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट पे इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये जो टेंजेंट है किसके ऊपर परपेंडिकुलर, रेडियस के ऊपर, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कहां पर है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां आपस में दूसरे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते, ये आपके मैथ में जो थ्योरम है 10.1 है, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखें कि जो रेडियस और टेंजेंट वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसको स्टेटमेंट को याद रखेंगे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपकी थ्योरम विशेष है। और कई बार देखो इस बात का भी ध्यान रखना, जो रेडियस होती है, ये जो रेडियस है इसको जो ये इसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है इसको कई बार नॉर्मल भी बोल देते हैं, नॉर्मल और परपेंडिकुलर नियर अबाउट सेम होते हैं, ठीक है ना, तो ये स्पेशल केस होता है बस, ये तो इसको नॉर्मल भी बोल देते हैं, कई बार ऐसा भी आ जाता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें। हमने जो पढ़ा है अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसको, तो देखो एक सर्कल को
अगर कोई लाइन कट इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट पे तो उसको क्या बोल रहा था, सीकेंट लाइन। अगर एक ही पॉइंट पे कट करे सिर्फ एक पॉइंट पे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टेंजेंट बोलते हैं। और ये जो ये पॉइंट होता है जहाँ ये कट करता है एक पॉइंट पे, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये कॉमन जो पॉइंट होता है इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। और फिर हमने पढ़ा था कि एक सर्कल पर मैक्सिमम एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। अब कहोगे इधर से ड्रा करेंगे तो वो पैरेलल हो सकते हैं, फिर ये आपस में मैंने मैक्सिमम, ठीक है ना। अगर बाकी क्या और एक्स्ट्रा ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो वो सीकेंट लाइन बन जाएगी, टेंजेंट ड्रा नहीं होंगे। फिर हमने विशेष जो है ये पढ़ा, जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम थी कि जो रेडियस है और जो टेंजेंट है वे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने उस थ्योरम को हमने कहा था द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास थ्योरम थी, इतना हमने पढ़ा है। और यही बेसिक हमारा जो है अब हमारी एक्सरसाइज में यूज होगा, जो हमारी 10.1। अब देखो एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 10.1 है तो पहला ही क्वेश्चन आता है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। देखो एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होता है, एक पॉइंट पे एक, और हमने सर्कल की डेफिनेशन में पढ़ा है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर पॉइंट पे अगर एक एक सर्कल टेंजेंट ड्रा करें तो कितने टेंजेंट ड्रा होंगे, इनफाइनाइट। तो हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। दूसरे में कहता फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट या पॉइंट्स। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ ओनली वन, ठीक है ना, वन पॉइंट पे। उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू पॉइंट, एक सर्कल को दो पॉइंट पे कट करने वाली लाइन, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन क्या कहलाती है, सीकेंट लाइन। तो ये क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी, वो लाइन सीकेंट कहलाएगी। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट, हमने कहा था एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट हैं। उसके बाद कहता है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट, कौन कॉमन पॉइंट जो है किसके ऊपर, टेंजेंट का और सर्कल का, क्या कहलाता है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड में क्या कहता है, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 लेंथ पी क्यू क्या होगी इनमें से, ये हमें ऑप्शन बताना है। देखो इसके लिए क्या, पहले डायग्राम हम लोग इसके लिए ड्रा कर लेते हैं एक बार। देखो जैसा इसमें कहा गया हम लोग वैसा करते जाएंगे, सर्कल ड्रा कर लिया, कहते हैं टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट का नाम क्या है, पी क्यू है, कहीं टेंजेंट कहीं भी ड्रा कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए थोड़ा इधर से ऐसे ड्रा करेंगे, इधर भी ड्रा कर सकते हो आप लोग। तो जैसे मान लीजिए हमने ये टेंजेंट ड्रा कर लिया, ये टेंजेंट है, लेकिन ये टेंजेंट है कहाँ, लिखा हो ना एट पॉइंट पी, पी पर ये टेंजेंट है, पी पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्यू पॉइंट यहाँ रहा होगा। और फिर कहता है रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। फिर कहता है थ्रू द सेंटर ओ ओ लिख दिया हमने ओ क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, तो ये ओ क्यू जो है वो आपके पास 12 सेंटीमीटर है, ये आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। तो फिर क्या कहते हैं लेंथ पी क्यू, तो पी क्यू माना इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। देखो सबसे पहले तो हमें पता है
कि जो रेडियस और टेंजेंट था वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। पहले तो इसी को बताएंगे हम लोग कि वी नो दैट द टेंजेंट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो हमने थ्योरम की थी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो ओपी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई पी के ऊपर, या पी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी ओपी पर, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी फिर आपके पास, तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल में ले लेंगे फिर। इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है ना, इसमें हमें ये पता है ये 5 है 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम देखो, पाइथागोरस हाइपोटन्यूज क्या होगा, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटन्यूज होगा, ठीक है ना। तो ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिख लिया इसको। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, ओ पी क्या है 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू क्या है फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो 144 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस में पी क्यू स्क्वायर, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज, तो पी क्यू स्क्वायर क्या आ गया, इसमें से 144 में से 25 सबट्रैक्ट 119, और दिस इंप्लाइज तो पी क्यू का स्क्वायर हटाएंगे उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव होता है लेंथ, तो ये क्या आ गया इतने सेंटीमीटर आ गया। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शन है ना इसमें, तो आपका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ड्रा सर्कल एंड टू लाइन्स, एक सर्कल ड्रा करना है टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन, टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू द सर्कल। क्या कहते हैं, एक तो सर्कल ड्रा करते हैं हम लोग, पहले तो कह रहे सर्कल ड्रा करो, तो सर्कल ड्रा कर लेते हैं हम लोग पहले, अब कितनी रेडियस का वो हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है ना, हम कितने भी रेडियस का सर्कल ड्रा कर सकते हैं। फिर कहते हैं दो लाइन पैरेलल ड्रा करनी है टू ए गिवन लाइन, कोई लाइन गिवन होगी उसके पैरेलल दो लाइन ड्रा करनी है, एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं हम लोग, जैसे सुपोज करो हमने एक लाइन ड्रा कर ली है, ये कोई गिवन लाइन है, सुपोज करो इस गिवन लाइन का नाम एल रख लेते हैं हम लोग। अब दो लाइन सर्कल ड्रा हो गया, गिवन लाइन ड्रा हो गया, अब दो लाइन और ऐसी ड्रा करनी है कि वन इज ए टेंजेंट, एक तो उनमें से टेंजेंट होनी चाहिए सर्कल पे एंड द अदर इज ए सीकेंट, और दूसरी उसके ऊपर सीकेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें इसको करना है। अब तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब पहले टेंजेंट ड्रा करते हैं, पैरेलल तो होनी चाहिए गिवन लाइन एल के, लेकिन वो उस पर टेंजेंट भी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक तो कोई पॉइंट लाइन के ऊपर ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज करो पी पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हम लोग सर्कल के ऊपर ले लेते हैं, सपोज करो उसका नाम क्यू हो गया, उसके बाद इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये दो पॉइंट लिए हैं एक लाइन के ऊपर और एक इसके, कहीं भी ले सकते हो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट दूसरा, जैसे एक तो जैसे ये पी लिया ना, इसको ज्वाइन कर लेते हैं पहले, ये ज्वाइन कर लिया
और पैरेलल ड्रा करने का मेथड आपने प्रीवियस क्लासेज में सीखा हुआ है कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करते हैं। तो क्या करेंगे, जितना एंगल ये है इसके सेम एंगल इधर बनाएंगे हम लोग अल्टरनेट एंगल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल तभी होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। उसका तरीका क्या है, आप लोग कंपास को यहाँ रखें, ऐसे कोई आर्क लगा लेंगे, फिर इसी कंपास को दूसरे पॉइंट पे जो सर्कल पे लिया है उसको एक कंपास सॉरी आर्क इधर से लगा लेंगे हम लोग ऐसे ही। कितनी छोटी बड़ी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन जितनी ये लगाइए इससे कम ज़्यादा नहीं करना, ठीक है ना। जितनी ये थी उतनी ये होनी चाहिए, ठीक है। ये फिर क्या करेंगे, इस आर्क को मेजर कर लेंगे कितनी है ऐसे, फिर इसको इस पॉइंट पे रख के और ऐसे कट कर देंगे, फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं क्यू पॉइंट को, सपोज करो ये आर आर से ज्वाइन कर देते हैं, क्यू आर को ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। तो ये जो लाइन आई है, अब ये सर्कल के लिए तो क्या होगी, टेंजेंट होगी, पर इसके पैरेलल होगी। एक लाइन सपोज करो हम लोग इसको L1 मान लेते हैं, माना L L1 के पैरेलल होगी, L1 L के पैरेलल होगी। फिर दूसरा क्या कहता था, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरी लाइन ड्रा करेंगे गिवन लाइन के सीकेंट होनी चाहिए। अब सीकेंट तो हम लोग इसमें कैसे भी है, कोई भी कोड ड्रा कर दो सीकेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो इसके पैरेलल भी होनी चाहिए, कंडीशन तो ये भी है ना कि इसके पैरेलल भी होनी चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते, कहीं भी ले सकते हैं सर्कल के अंदर, इनसाइड द सर्कल कोई पॉइंट ले लो, सपोज करो ये हमने ले लिया और ये एस पॉइंट ले लिया। फिर उसी तरह का प्रोसीजर है, जैसे या तो इस ये इसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल ये ड्रा करेंगे तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगी। इस पे तो कोई पॉइंट गिवन है ही, ठीक है ना, मान लो क्यू ही है और इसको ज्वाइन कर लेते हैं उसी टाइप से जैसे अभी हमने इसमें किया था। इस पे भी ले सकते हो पॉइंट, उसको ज्वाइन कर सकते, लेकिन यहां से थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर वही प्रोसीजर हमारा जैसा हमने इसमें किया था, इस पॉइंट पे रखेंगे और कोई भी एक आर्क लगा लेंगे, ऐसी आर्क लगा ली। फिर इसी को देखो, जब इधर का एंगल करेंगे तो इधर आर्क लगानी, अगर ये वाला मीजर करेंगे तो इधर लगानी, ये ध्यान रखना बस। तो इसको यहां रखेंगे कंपास को और इधर से हम लोग एक आर्क लगा लेते हैं ऐसे। फिर सेकंड स्टेप क्या था, इसको मीजर कर लेते हैं हम लोग ये कितनी है, इसको ओपन कर लेंगे ऐसे। फिर ये मेजर करके यहाँ से हम लोग उतने ही आर्क रेडियस के आर्क लगा लेंगे। फिर उसी तरह से सेम मान लो ये टी है, एस और टी को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, एस और टी को ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह से इसको प्रोड्यूस कर देंगे हम लोग। तो देखो अब ये इसको सर्कल, इसने सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर दिया, ए सपोज करो ए बी, तो सर्कल के लिए क्या होगी, सीकेंट लाइन होगी ये, ठीक है ना। और लेकिन ये इसके पैरेलल रहेगी, तो इसका मतलब ये क्या हो? इसका नाम कुछ रखना चाहो एल टू, तो ये तो क्या हो गई, ये तो सीकेंट लाइन होगी। यहां लिख देते हैं इसको, ये सीकेंट लाइन है और ये क्या हो गई, ये टेंजेंट लाइन हो गई। और ये कौन सी है, ये गिवन लाइन है, ठीक है ना। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट।